हाय फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मील्स एंड गैजेट्स में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम 5 मिनट में कॉन्टिनेंटल मिक्स वेज सूप बनाएंगे और वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में। आमतौर पर हम लोग विंटर सीजन में टमाटो सूप और गर्मी में लौकी का सूप घर में बनाते हैं, लेकिन मिक्स वेज सूप के लिए हम रेस्टोरेंट में ऑर्डर करते हैं। सभी लोग ये सोचते हैं कि कौन घंटा भर किचन में खड़ा होकर मिक्स वेज सूप बनाए, लेकिन अब कोई टेंशन नहीं है, हम ये सूप बहुत फटाफट बनाने वाले हैं। हमने सूप में क्या क्या सब्जी डाली है आप ये ना देखें। आपके फ्रिज में जो भी सब्जी हो आप उससे अपना मिक्स वेज सूप बना सकते हैं। सूप बहुत टेस्टी ही बनेगा, तो चलिए अपना सूप बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक पैन को गैस पर रखेंगे और गैस की फ्लेम हाई रखेंगे। अब पैन में थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे, थोड़ा सा बटर डालेंगे। हमने कुकिंग ऑयल इसलिए डाला है क्योंकि कुकिंग ऑयल के बिना बटर जल्दी जलने लगता है। यदि आप चाहें तो अपने सूप को केवल कुकिंग ऑयल या केवल देसी घी से भी बना सकते हैं। हमारा बटर अब गर्म होकर पिघलने लग गया है। अब हम इसमें 2 लौंग और 1 तेज पत्ता डालेंगे। तेज पत्ता डालने के बाद हम इसमें 10 कली लहसुन, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 हरी मिर्च और 1 प्याज का पेस्ट बनाकर डाल देंगे और इसे अच्छी तरह चला देंगे। क्योंकि हम तेज फ्लेम पर काम कर रहे हैं इसलिए हमें इसे लगातार चलाते रहना है और फटाफट काम करना है। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सही समय पर हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। कढ़ाई का मटेरियल हल्के से सोते होते ही इसमें सब्जियां डालना शुरू करें। हमें कढ़ाई में सभी सब्जियां बारीक चॉप्ड करके ही डालनी हैं। सबसे पहले हम 1 गाजर बारीक चॉप्ड करके डालेंगे, 1 स्प्रिंग ऑनियन की डंडी बारीक चॉप्ड करके डालेंगे, 8 बीन्स डालेंगे, 1 कैप्सिकम डालेंगे, 2 टुकड़ा फूल गोभी का डालेंगे, 1 टेबल स्पून स्प्रिंग ऑनियन के हरे पत्ते डालेंगे, 1 टेबल स्पून स्वीट कॉर्न, 1 टेबल स्पून मटर, 5-6 बटन मशरूम और 2 टेबल स्पून पत्ता गोभी डालेंगे। अब इस सभी मटेरियल को अच्छे से चलाएंगे। हमें सब्जी को सलीके से नहीं काटना है, रफली चॉप्ड करना है। इसके 2 कारण हैं। कायदे से सब्जी काटने में बहुत टाइम लगता है। दूसरा मेन कारण है कि सूप के साथ जब सब्जी के बड़े टुकड़े मुंह में आते हैं तो वो क्रिस्पी नहीं होते हैं, गले हुए होते हैं, जो कि अच्छे नहीं लगते हैं। सब्जी के टुकड़े सूप के साथ मर्ज होकर अनोखा विशिष्ट स्वाद देते हैं। इसे अच्छी तरह चलाकर मिला दें। सभी सब्जियों को अच्छी तरह चलाने के बाद हम पैन में 1 पिसा टमाटर डालेंगे और इसे एक बार फिर से चला देंगे। सब्जियों को महीन काटने के लिए या तो हैंड ग्राइंडर में डालकर चला दें या फिर मिक्सी के ग्राइंडर में डालकर पल्स मोड में 2-3 बार चला दें। हमें सब्जी के महीन टुकड़े मिल जाएंगे। अब पैन में 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च डालें। इसके बाद इसमें 5 रुपए वाले यिप्पी नूडल्स के मसाले का 1 पाउच डालें। यिप्पी का मसाला डालने के बाद इसमें 2.5 गिलास पानी डाल दें। इसके बाद 5 रुपए वाले यिप्पी नूडल्स को पैकेट में ही क्रश कर लें और अच्छी तरह क्रश करने के बाद पैन में डाल दें। नूडल्स डालने के बाद इसे अच्छी तरह चलाकर मिला दें। इसके बाद पैन में 2.5 टीस्पून या 2.5 टीस्पून ग्रीन चिली सॉस डालें। एक टीस्पून सोया सॉस डालें। इसके बाद पैन में लिड लगा दें और अपने सूप को 3 मिनट तेज फ्लेम पर पकने दें। अब 1 कप रूम टेम्परेचर पानी में 1.5 या 1.5 टेबल स्पून लेवल से कॉर्नफ्लोर या अरारोट, जो भी आपके घर में हो, घोल लें और कॉर्नफ्लोर के इस तैयार लिक्विड को सूप में मिला दें। तेज पत्ता निकाल के फेंक दें। बताए गए मटेरियल से हमारा 8 बॉल सूप तैयार होगा। अब इसमें 1/2 नींबू डाल दें, थोड़ी सी पत्ता गोभी और स्प्रिंग अनियन के डंडी के कटे हुए रिंग डाल दें, थोड़ा सा हरा धनिया डाल दें। इन्हें डालने से सूप पीते समय हमें क्रिस्पी टेस्ट आएगा।
हमारा सूप अब तैयार है, इसे अब सर्विंग बाउल में शिफ्ट करें। ऊपर से थोड़ा सा धनिया और डालें और फाइनली प्लेट को मशरूम स्लाइस और स्वीट कॉर्न से डेकोरेट कर सबकी प्रशंसा लूटिए। इस सूप को बनाने से पहले एक बात समझ लें, अगर आपने इस सूप को एक बार बना दिया तो ये आपको बार बार बनाना पड़ेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे 5 मिनट में तैयार कॉन्टिनेंटल मिक्स वेज सूप की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। हमारी अन्य स्वादिष्ट रेसिपीज की वीडियो की लिंक इस वीडियो के अंत में आई बटन में पड़े हुए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।